साहिला निवासी प्रकाश कुमार रावल शिवसेना जालौर जिला प्रभारी नियुक्त। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख उद्धव ठाकरे व राजस्थान संपर्क प्रमुख राजकुमार बापने के आदेशानुसार शिवसेना राजस्थान प्रदेश प्रमुख लखन सिंह पवार ने शिवसेना जालौर जिला प्रभारी पद पर साहिला के प्रकाश कुमार रावल को नियुक्त किया है। वहीं संगठन को तेज गति एवं मजबूती प्रदान करने हेतु अपने ऊपर नियुक्त संगठन को समस्त पदाधिकारियों की आज्ञा पालन करने की बात कही। वहीं नव नियुक्त शिवसेना जिला प्रभारी प्रकाश कुमार रावल साहिला ने कहा कि हमेशा संगठन हित के लिए तत्पर रहूंगा। साहिला उपकंड क्षेत्र भर में नौनियाला को पिलाई पोलियो की दो बूंद। साहिला उपकंड क्षेत्र में रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पोलियो दिवस पर नौनियाला को पोलियो की दो बूंद पिलाई गई। क्षेत्र भर में विभाग की ओर से स्थापित पोलियो बूथ पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाई गई। पोलियो दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा सघन संवाद कर अभिभावकों को छोटे बच्चों को पोलियो बूथ पर लाने के लिए प्रेरित किया गया। पोलियो बूथों पर दिन भर बच्चों की आवाजाही रही, साथ ही छूटे हुए बच्चों को पिलाने के लिए घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। साहिला में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कमेटी को सौंपा ज्ञापन। साहिला उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा साहिला ने ग्राम विकास अधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस नेता तथा युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सुल्तान खान भाटी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजीत सिंह देता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जन घोषणा में बिंदु संख्या 10.4 व 25 की पालना में ग्राम विकास अधिकारी सौरंग के वेतन विसंगति दूर करने, रिक्त पदों की भर्ती, समयबद्ध पदोन्नति एवं मांग पत्र की विभिन्न मांगों को पूर्ण करवाने को लेकर विधानसभा चुनाव के समय जारी किए गए जन घोषणा पत्र में कर्मचारी कल्याण, विभिन्न पदों पर भर्ती एवं सभी विभागों में समयबद्ध पदोन्नति की विशेष घोषणा की गई थी, मगर ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती को लेकर 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी पालना नहीं की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारियों की विभिन्न मांगों का भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी सुरंग के सैकड़ों ग्राम विकास अधिकारी प्रशासनिक कारण एवं जिला आवंटन में की गई विधिक त्रुटि के कारण सैकड़ों किलोमीटर दूर अन्य जिलों में पदस्थापित है, अतः उनका गृह जिले में स्वैच्छिक स्थानांतरण किया जाए। इसको लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा 30 जनवरी के शरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा साहिला के ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन प्रजापत, हेमाराम बाना, गुलाब देवंदा और सांवर मल सारण उपस्थित थे।